गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. यस, हम चैप्टर देख रहे थे, सेकंड चैप्टर. उसमें हम चोला एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे, चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे. और हमने ये क्लियर भी किया था कि किस तरह चोला एम्पायर जो है फॉर्म में आई. देखिए, देखा था ना हमने किस तरह पल्लवास जो थे उन्होंने मुतरियार्स जो उनके सामंतास थे उनको ये कावेरी की तरफ का जो डेल्टा का पार्ट था वो सौंप रखा था. वो उनके सामंतास के बिहाफ इस डेल्टा के ऊपर रूल कर रहे थे. लेकिन यहाँ पर से एक छोटी सी फैमिली जो चोला एम्पायर की फाउंडर मानी जाती है उरेयार, उन्होंने आकर मुतरियार को यहाँ पर ओवर रूल कर लिया और अपनी एक स्मार्ट सिटी यानी अपनी एक न्यू इम्पोर्टेंट सिटी एस्टैब्लिश की जिसका नाम था तंजावुर. और यहाँ से चोला एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट शुरू होता है. और चोला एम्पायर के फाउंडर कौन थे हमने पढ़ा था, विजय आलिया, राइट. तो ये हमने देख लिया था कि किस तरह चोला एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और वो धीरे धीरे फैलते गए. अब हम उसका एक्सपेंडिशन देखेंगे. देखो, राजा राजा फर्स्ट एंड हिज सन राजेंद्र फर्स्ट वर द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द चोला डायनेस्टी. राजा राजा फर्स्ट एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ द एरिया. हिज सन ऑक्यूपाइड श्रीलंका अलॉन्ग विद दोज कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. दे कंटिन्यू टू ह्यूजली एक्सपेंड द किंगडम बाय रेडिंग द गंगा वैली. ये इससे समझ में आया कि कितने वो पावरफुल थे. वट आर द पावरफुल मैंस. बट हम ये देखेंगे कि कहाँ तक इन्होंने एक्सपेंडिशन किया अपना. तो चलो मैप के अकॉर्डिंग समझते हैं. देखिए, हमने अभी क्या पढ़ा कि इन्होंने अपनी जो है गंगा वैली तक अपना एक्सपेंडिशन किया. तो देखिए, ये तो है, ये जो ब्लू ब्लू जो सिस्टम है ये तो इनका पूरा चोला किंगडम है, ठीक है. इसके साथ साथ ये कहाँ तक एक्सपेंड करते हैं. ये तो इन्होंने पूरा चोला एम्पायर कर लिया. इसके साथ साथ ये कहाँ तक एक्सपेंड करते हैं, ये गंगा वैली, ये गंगा रिवर यहाँ तक बहती भी आती है ना वेस्ट बंगाल तक. तो ये गंगा वैली का जो वैली सिस्टम होता है यानी इसका जो टचिंग सिस्टम होता है ये यहाँ तक होते हुए इस तरह से ये यहाँ तक आए हैं. और इनका एक्सपेंडिशन मतलब ये इस तरफ नहीं गए, ये इस तरफ नहीं गए, ये इस तरफ ही मूव किया इन्होंने. उसके साथ साथ जो इनके बेटे थे राजेंद्र फर्स्ट, राजा राजा फर्स्ट तक हम ये देखते हैं कि ये एक्सपेंडिशन हो गया ये जो सिस्टम. और इसके साथ साथ जब इनके बेटे आए राजेंद्र फर्स्ट, इन्होंने एक्सपेंशन कहाँ तक किया अपना, इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया यहाँ तक, ये गंगा वैली तक गए. राजेंद्र फर्स्ट पहले तो हुए राजा राजा फर्स्ट उसके बाद होते हैं राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है. तो दोनों ही अपने आप में एक पावरफुल पर्सन है. दोनों ने ही अपने एम्पायर को बहुत एक्सटेंड किया है. इसके बाद देखिए, ये जो आपको पिंक वाला पोजीशन दिखा है तो ये जो है ये सारी सिस्टम है इनका कि इन्होंने अपने एम्पायर को इतना एक्सटेंड किया. आप देख सकते हैं ये चोला किंगडम आपको श्रीलंका भी ऑक्यूपाइड किया, यहाँ तक गए ये पूरा सिस्टम, ये सारा चोला एम्पायर का सिस्टम है. अब आप सोचिए कि ये सारा सिस्टम तो वाटर लेवल का है, ये वाटर लेवल का, वो ये वाटर लेवल का. उसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं, ये देखिए, ये यहाँ से ये इनका, ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ना बच्चों, ये ब्लू लाइन जो दिख रही है ये इनका ट्रेड रूट है. ये किसका ट्रेड रूट है, ये चोला एम्पायर जो है ये यहाँ से जापान तक जाते थे ट्रेड करने के लिए. तो सोचो कि इन्होंने इस चोला एम्पायर ने अगर अपने इन सारे सिस्टम पे, इस पर जब अपने साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, अदर कंट्रीज़ पे जब इन्होंने अपना ऑक्यूपाई किया इसे, तो
किस तरह ये देखने को मिला कि इनका जो नेवल सिस्टम था, यानी नेवी, यानी जो वाटर आर्मीज होती है, जो वाटर की तरफ से जितने सेनाएं होती हैं उसे नेवी कहते हैं, तो इनका नेवल सिस्टम कितना मजबूत था। अब आप सोचिए, हम बात करते हैं कि भाई हम ब्रिटिशर्स आए, सी रूट से आए हैं, तुर्क आए हमारे इंडिया में, अफगान आए हमारे इंडिया में, इवन हमारे डच, फ्रांच, पुर्तगीज़ी सब आए ट्रेड रूट से आए। तो सोचिए, हम तो ये 9th और 10th century की बात कर रहे हैं, हम कितनी पुरानी बात कर रहे हैं। उस टाइम पर ही अब यहाँ से ट्रेड करते हुए यहाँ जाना, अपनी वाटर, अपनी नेवी, अपनी आर्मीज को इतना पावरफुल बनाना कि अदर कंट्रीज पे, अदर प्लेसेस पे ऑक्यूपाइड करना, तो ये सोचो हम कितने पावरफुल थे, ये कितने इम्पोर्टेंट थे, इन्होंने कितना बड़ा काम किया है कि ये सिर्फ इंडिया में ही एक्सपेंड नहीं किया, इन्होंने अपना एक्सपेंडिशन बाहर की तरफ भी किया है, बाहर की कंट्रीज़ पे, बाहर की जगहों पर भी किया है, वो भी नेवी के साथ, अपनी शिप के साथ। ये इस तरह किस तरह कैप्चर करते होंगे, किस तरह ये अपनी इतनी इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं लेके जाते होंगे आर्मीज़ में, किस तरह इतने लंबा सफ़र करके फिर वहाँ जाके उन लोगों के साथ वॉर करके वहाँ जाकर उन सिस्टम्स को डील करते होंगे। और यही डीलिंग सिस्टम और ये जो ट्रेड रूट हम देख रहे हैं, इतना यहाँ से यहाँ तक जाने का ट्रेड रूट, तो ये किस तरह ये करते होंगे, यानी कहीं ना कहीं इनकी जो नेवी पावर थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और बहुत ही शानदार थी। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो चीज़ें हम सोचते हैं कि भाई 15th-16th century में देखने मिल रही है, 13th century में, वो ये पहले ही करके बैठे हैं। शायद ही ये पहले ऐसे राजा हैं जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं अदर कंट्रीज़ पे भी अपना ओवर रूल कर चुके हैं। तो है ना, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पावरफुल। इसके साथ साथ एक स्टोरी है, हम बाद में बात करेंगे। कहा जाता है जो राजेंद्र फर्स्ट है, जो राजा फर्स्ट के बेटे थे, राजेंद्र फर्स्ट जब वो यहाँ तक एक्सपेंडिशन कर देते, ये गंगा वैली से, गंगा में से एक लोटा भर के, एक पॉट भर के पानी लेकर आते हैं, इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है, हम बाद में बात करेंगे। और जब वो वापस आते तब वो यहाँ आकर अपनी एक, ये देखिए आपको तंजावुर दिख रहा है, आपको नागापाटिनम ये भी दिख रहा है, इसके ऊपर आपको एक छोटा सा डॉट किया गया, ये लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, ये वाली, ये वाला गंगई कोंडा चोलापुरम। तो ये कहानी इसी पे है कि ये जब यहाँ से गंगा में से एक पॉट भर के लाते हैं, तो इसका नाम, इस जगह का नाम, वो पानी वो यहीं पर डालते हैं, एक लंबी स्टोरी है, बाद में बताएंगे, तब जाके इसका नाम गंगई कोंडा चोलापुरम पड़ता है, यानी गंगा और कोंडा, यानी पानी लाने, जिसमें पानी लाया गया है, तो गंगई कोंडा चोलापुरम एक नाम पड़ता है। और यहीं पर ये अपना एक और मंदिर एस्टैब्लिश करते हैं। इनके सिस्टम में हम ये देखते हैं, देखिए टेंपल ऑफ गंगई कोंडा चोलापुरम, ये आपके बुक में भी है, इस टेंपल को आप देखिए, उस सेंचुरी में इतना शानदार टेंपल बनाना, सिचुएट करना, अब इसके आर्किटेक्चर को देखिए आप, उस टाइम पे जब टूल्स नहीं हुआ, मतलब आज जो हम मशीनरी के बिना कुछ काम नहीं कर सकते, हमें एक वॉल में एक होल भी करना होता है या एक कील भी लगानी होती, तो हमें ड्रिलर की ज़रूरत पड़ती, ड्रिलर मशीन की ज़रूरत पड़ती, लेकिन उस टाइम पे इतना ऊंचा और इतना शानदार आर्किटेक्चर देखिए आप, एक एक खूबसूरती इसकी, इस्टैब्लिश करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। और इसके साथ साथ ये देखा गया है कि जो चोलास थे, जो चोला एम्पायर था, उसके अंदर ब्रोंज वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, ब्रोंज वर्ड सुना होगा, ब्रोंज मीन्स पीतल। तो ब्रोंज के स्कल्पचर यानी मूर्तियाँ, ब्रोंज का आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी ब्रोंज पीतल से बनाई गई मूर्तियाँ वर्ल्ड फेमस है। तो चोला एम्पायर
पूरे वर्ल्ड में फेमस है उसके ब्रोंज स्कल्पचर्स की वजह से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एम्पायर डायनेस्टी है, इसे पढ़ना भी बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने आपका इसका एक अलग से वीडियो बना के दिया है। और इसके साथ साथ ये आप लोग एक आपकी बुक में पेज नंबर 12 पे छोला ब्रोंज स्कल्पचर एक शिवा की डांसिंग मूर्ति है, और साथ साथ आप लोगों ने नटराज की मूर्ति देखी होगी जो साउथ में बहुत फेमस होती है, कि जो भी डांसर्स होते हैं उन्हें अगर नटराज की स्कल्पचर मूर्तियों को उनको एज अ उनके सम्मान में उनको दी जाती है, तो एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रतीक मानते हैं ये शिवा का, लॉर्ड शिवा के जो डांसिंग मूर्तियाँ होती हैं जिसको नटराज कहते हैं, सुना होगा आपने नटराज की मूर्ति, ये बहुत फेमस है साउथ में, और ये बहुत सम्मान मतलब एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानते हैं इसको, ये लॉर्ड शिवा को। तो इसकी जो मूर्तियाँ हैं ये भी वर्ल्ड फेमस है, साथ साथ यहाँ के जो टेम्पल्स हैं उनका आर्किटेक्चर है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि छोला एम्पायर्स के जो किंग्स थे वो सिर्फ अपने एक्सपेंडिशन में ही लगे हुए थे कि यहाँ से इसे लूट लूँ इसे कर लें, इसके साथ साथ वो टेम्पल्स भी बनवाए उन्होंने बहुत बड़े बड़े, साथ साथ वो एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा करते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा माना गया है। तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन एग्रीकल्चर इरीगेशन तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक्सपेंडिशन के साथ साथ उन्होंने टेम्पल्स भी बनवाए, और ये जो ब्रोंज वगैरह मेटल्स हैं उसके अंदर ये वर्ल्ड फेमस थे, तो स्कल्पचर बनाना इसमें भी ये बहुत माने जाते हैं। तो इसी वजह से हर एक चीज़ जो थी छोला एम्पायर की अपने आप में एक परफेक्ट बैलेंस थी, यही वजह है कि छोला एम्पायर जो है इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका एग्रीकल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।